Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you are doing well. Friend, this video is all about best flowering plants to buy from nursery in the month of September with their prices. तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि पूरे सितंबर भर आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे और इनका रेट कैसा होगा नर्सरी पे, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत मैं करूंगी बहुत ही खूबसूरत से इन अडेनियम के प्लांट्स के साथ। तो अडेनियम में बहुत सारी इस समय वराइटीज़ भी आ गई हैं, जैसे कि जो ग्राफ्टेड अडेनियम्स होते हैं उसमें आपको अडेनियम ओविसम की ग्राफ्टेड वराइटीज़ हो गया, स्वाजिकम हो गया, अरेबिकम हो गया, बहुत सारी अब थाई वराइटीज़ भी आ गई हैं। तो डिपेंडिंग ऑन उनकी जो भी ओरिजिन होता है, उनकी जो स्पीशी होती है, उसके हिसाब से भी काफ़ी महंगी महंगी वैरायटीज़ भी आ गई हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके की अडेनियम ओबेसम की ग्राफ्टेड प्लांट्स को बाय करना चाह रहे हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये आपको 250 से लेकर 350 के अराउंड पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ प्लांट। अगर प्लांट का साइज और ज़्यादा बड़ा और मेच्योर्ड आप बाय करोगे तो यही प्लांट्स आपको 500 तक भी लोकल नर्सरी पर मिल जाएंगे। तो आपको जैसा भी कलर पसंद हो आप लाकर लगा सकते हो। इसमें भी जो भी कलर्स थोड़े से अनयूजुअल होते हैं जैसे कि येलो हो गया, पर्पल हो गया, तो उनके जो कॉस्ट होते हैं थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होते हैं। और अरेबिकम का तो नो डाउट 500 तो उसका स्टार्टिंग है, वो और ज़्यादा कॉस्टली भी जाता है क्योंकि उसको कोडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और अगर आपको कोडेक्स पसंद है तो मैं आपके लिए एक और चॉइस दे देती हूँ, जैसे कि ये जो आप अडेनियम ओबेसम की जो नॉन ग्राफ्टेड वैरायटी होती है ये आपको 100 से लेकर 120 में भी मिल जाएगी। तो ये देख सकते तो आप फ्रेंड्स, ये मेरा सीड से तैयार किया हुआ बेबी अडेनियम प्लांट है जिसकी एज अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ 2 साल है और आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स इसमें खिले हुए हैं। तो अगर आपको कोडेक्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप अडेनियम ओबेसम की ये नॉन ग्राफ्टेड वैरायटी को भी लगा सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगी और इसके साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है जो कि स्वाजिकम और जो आपका अरेबिकम हो गया, अरेबिकम स्पेशली उसमें कोडेक्स जो होता है उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, फ्लावरिंग उसमें थोड़ी कम सी होती है कंपैरेटिवली इस प्लांट के। तो आप इसे लाकर लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो यह है पिंक टेम्परेट वाइन जो कि आपको नॉर्मली नर्सरी पे 120 से 150 में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप इस समय देख सकते हो कितनी सारी बर्ड्स निकल रही हैं और कुछ कुछ फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। तो ये सितंबर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत ज़्यादा एक बुशी प्लांट होता है, थोड़ा सा सेमी वाइन का भी शेप ले लेता है और काफ़ी अच्छे से ये फैल भी जाता है। आप देखिए कुछ फ्लावर्स खिल भी गए हैं और बर्ड्स तो बहुत ज़्यादा लदी हुई हैं। तो आप पिंक टेम्परेट वाइन को भी ज़रूर लगाइए। इसके बाद आप इधर जो प्लांट देख रहे हो ये है तिकोमा की वैरायटी जिसका नाम है ऑरेंज जुबली तिकोमा और ये मेरे न्यू प्लांट्स हैं जिन्हें मैंने 150 में लिया था। तो छोटे प्लांट से ज़्यादा बड़े नहीं, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड प्लांट बाय करोगे तो वो 200 से 250 भी चला जाएगा। तो कोशिश यही करिए कि हेल्दी प्लांट लीजिए। और ये वाला भी जो आप देख रहे हो ये भी मुझे 150 के अराउंड पड़ा था। ये इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, ये दोनों ही प्लांट है और दोनों ही ड्वार्फ वैराइटीज़ हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाइए भर भर के, आपको डेली ही इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट देखने में खूबसूरत सा लगता है। तो इसको भी आप ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इधर जो आप नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है एक्जोरा का। एक्जोरा की जो ये वैरायटी है ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत सी लगती है क्योंकि इसमें इकट्ठे तो फ्लावरिंग होती ही होती है लेकिन चूंकि प्लांट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा सा होता है तो फ्लावरिंग जो बंचेज होते हैं वो बहुत सारे इकट्ठे खिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये प्लांट देखने में खूबसूरत सा लगता है। तो ये भी आपको 150 के अराउंड आराम से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा, मे बी 180 भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ जो वैरायटीज़ हैं या फिर जो मैंने अभी देखी, ये न्यू प्लांट किया था तो ये मुझे 150 का पड़ा, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा है। इसमें भी ड्वार्फ वैरायटीज़ भी आती हैं, वो भी आप बाय कर सकते हो अगर आपके पास स्पेस की थोड़ी कमी है। जैसे कि आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा, पहले मुझे ये रेड लग रहा था लेकिन इसमें ऑरेंज कलर निकला है, अभी मैंने न्यू प्लांट जो बाय किए थे तो ये मुझे 120 के अराउंड पड़ा था। तो आप इन्हें भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्राइस में भी वेरी कर सकता है आपके शहर से मेरे शहर से और नर्सरी टू नर्सरी से भी वेरी कर सकता है, मैं आपको लखनऊ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और इधर आप जो नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मधुकामनी का। ये भी प्लांट बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है और फ्रेग्रेंस तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट और माइल्ड सी होती है। और आप इस समय देख सकते हो मेरे इस प्लांट में कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो ये भी प्लांट डिपेंडिंग ऑन साइज़ ऑफ प्लांट, अगर आप बहुत ज़्यादा मेच्योर प्लांट लोगे तो 200 से 250 पड़ेगा, नहीं तो 150 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है।
चाहिए तो आपको आसानी से लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा। ड्वार्फ वैरायटी 80-100 में मिल जाएगी, तो जैसा भी आपकी चॉइस हो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है हिबिस्कस का। आज मेरे यहाँ ये वाइट वाला जो देसी हिबिस्कस था वो खिला हुआ था, तो ये जो प्लांट है ये आपको 60-80 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें भी साइज़ पे फिर डिपेंड करता है, अगर आपने पॉली बैग्स में छोटे प्लांट्स लगे हुए ले लिए तो आपको 60 रुपये में मिल जाएंगे, नहीं तो 80 रुपये में। बहुत आसानी से इस तरीके की जो देसी वैरायटीज़ होती हैं हिबिस्कस की वो आप ज़रूर से ज़रूर लगाओ, हाईली रिकमेंड मैं करूँगी, क्योंकि ये बहुत सारे फ्लावर्स आपको, वन डे फ्लावर्स होते हैं लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स आपको बना के देगा। इधर फिर आप हाइब्रिड हिबिस्कस को भी लगा सकते हो, जो कि फ्रेंड थोड़ा सा कॉस्टली पड़ते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 120 से लेकर थोड़ा सा और कॉस्टलियर साइड पर चला जाता है। अगर इनकी जो वैरायटीज़ होती हैं वो थाई वैरायटी हो गई या फिर जो भी बाहर के प्लांट्स होते हैं वो जब यहाँ के कल्टीवेटर्स उसको बना के बेचते हैं तो थोड़ा सा जो कॉस्ट होता है उस पर असर पड़ता है, तो आपको ये 150 से 180 के अराउंड भी मिल जाएगा, नहीं तो 120 में भी कई बार मिल जाता है। तो अगर आपको इस तरीके के हिबिस्कस हाइब्रिड वाले पसंद है तो आप लगा सकते हो। फिर इधर ये हैं गुलाब के प्लांट जो कि हैं इंग्लिश रोजेस। तो इंग्लिश रोजेस में अगर आपने राइस हस वाले जो प्लांट लिए तो वो तो आपको 50-60 में मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने मेच्योर्ड प्लांट लिया, क्ले सॉइल में लगा हुआ लिया, रेड सॉइल को छोड़ के, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा महंगा हमारे इधर लखनऊ में तो 150 से 180 के अराउंड मिलता है, कई बार तो 200 के भी करीब मिलता है। इस तरीके के जो हाइब्रिड टी रोजेज हो गए या फिर फ्लोरीबंडा भी अगर आप लोगे बड़े बड़े से ग्रो बैग में लगा हुआ तो वो आपको बहुत आसानी से 180 से 200 के बीच में देंगे, क्योंकि कई बार बहुत इस्टेब्लिश प्लांट मैंने भी कई बार बाय किए हुए हैं, आप लोग के साथ शेयर भी किया है अपना जो भी शॉपिंग वीडियोस थे तो उसमें आपने देखा होंगे, तो मैंने काफ़ी मेच्योर से ये प्लांट बाय किए थे जो अभी आपने अर्लियर वन देखे थे, और इसके साथ साथ राइस हस वाले भी मैंने पिछले साल बाय किए थे। तो दोनों ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। राइस हस वाले सिंगल स्टेम में लगे होते हैं, उनकी थोड़ी सी देख रेख आपको ज़्यादा करनी पड़ती है, और जो ऐसे मेच्योर प्लांट होते हैं उनकी कंपैरेटिवली कम करनी पड़ती है क्योंकि उसमें ऑलरेडी शूट्स वगैरह निकली हुई होती हैं। फिर इधर है, ये है देसी गुलाब। तो देसी गुलाब भी आपको 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। मैं तो इसको कहूँगी कि आप इसको कटिंग के थ्रू लगा लो, बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू लग जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप नर्सरी से जाके कटिंग, अगर आपको नहीं मिल पाती तो आप नर्सरी से ले लो, नहीं तो बहुत ही ईजिली और कॉमन प्लांट होता है, लेकिन फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा सूदिंग और बहुत ब्यूटीफुल से इसके फ्लावर अभी जब मानसून से लेकर पूरा विंटर्स जब आएंगे तो फ्रेंड्स इसके फ्लावर के साइज़ भी काफ़ी बड़े बड़े से हो जाते हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से लगते हैं। नेक्स्ट जो आप प्लांट देख रहे हो ये है अलमांडा। अलमांडा को भी अपने कलेक्शन में ज़रूर इंक्लूड करिए, बहुत ज़्यादा ये प्लांट देखने में खूबसूरत से लगता है, और इसकी भी जो रेंज शुरू होती है वो 120 से लेकर 150 के अराउंड आपको मिल जाएगा। इस तरीके के जो आप, अगर आप कलर्स ऑप्ट करना चाह रहे हो, ये भी कलर बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है। इसमें मेरे पास जो भी पूरा जो इसके कलर्स हैं सारे ही मेरे पास हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट जो आप कलर देख रहे हो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लगता है, ये भी आपको इसी रेट में जाकर नर्सरी पे मिल जाएगा। और अभी मैंने रिसेंट में जो मेरा, अगर आपने शॉपिंग वीडियो देखा होगा, मैंने ये जो ड्वार्फ वैरायटी थी ये बाय की थी, ये मुझे 150 में विद पॉट मिली थी। तो अगर आपको विदाउट पॉट मिल जाता है सस्ते में, 80 से 100 रुपये में मिल जाता है, तो ये भी वैरायटी आप ज़रूर से लगा लो। ड्वार्फ वैरायटी में ये होता है कि प्लांट का जो साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है और फ्लावर का साइज भी कंपैरेटिवली छोटा रहता है, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स ये इकट्ठे बनाते हैं जैसे कि आप मेरे इस प्लांट में देख रहे हो। इसमें एक वाइन वैरायटी है जो कि ये है, ये भी आपको इसी तरीके से 120 से 150 में ही मिलेगी, तो आप इसे भी लगा सकते हो। अगर आपको ऐसे प्लांट्स वाइन वाले पसंद हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सी वाइन होती है और पॉलिनेटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आपके गार्डन में बर्ड्स हो गया, सन बर्ड्स हो गई, बटरफ्लाईज होंगी, बहुत सारी आई जाएंगी, तो आपके गार्डन का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगेगा। तो आप इस तरीके के वाइन प्लांट को भी लगा सकते हो। इसमें आप DIY ट्रेली बना लो या फिर आप ट्रेली भी खरीद सकते हो, तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए, बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे से लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मोगरा। मोगरा फ्रेंड्स अभी तक आप ये देख सकते हो मेरे यहाँ अभी भी इसमें फ्लावरिंग जो है वो जारी है, तो ये प्लांट आपको 60 से 80 रुपये में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो इसे भी मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, ज़रूर से ज़रूर लगा लो। पूरा गर्मी से लेकर इधर मानसून तक इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी सी होती है और सूदिंग, जब तक विंटर्स का भी जो टेम्परेचर होता है उसमें भी, नवंबर वगैरह में भी इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती है। जैसे ही एक्सट्रीम जब आपका विंटर्स होता है तभी इसमें फ्लावरिंग रुकती है। तो इस परमानेंट प्लांट को भी आप ज़रूर अपने गार्डन में लगा लो। इसके बाद फ्रेंड जो आप प्लांट देख रहे हो ये है मिनी चांदनी का।
इसका फ्रेंड जो एक लुक होता है ना, ये मिनी ट्री की तरीके से लगता है। आप देखो एकदम से रेप्लिका सा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। ये आपको 40 to 50 रुपीज़ में किसी भी लोकल नर्सरी पे मिल जाएगा। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर लगाइए। आप इसका लुक देखिए कितना ज़्यादा वेल डिफाइंड है और देखने में खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आपको भी ऐसे सफ़ेद फ्लावर्स पसंद है, वाइट कलर के ब्लूम्स आपको अपने गार्डन में पसंद है, तो आप इस तरीके के प्लांट को ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। मुझे पसंद है तो मैं वाइट कलर्स वाले जो भी फ्लावरिंग प्लांट होती तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे अपने गार्डन में ज़रूर इंक्लूड करूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मिलिका। इसमें ये जो वैरायटी है फ्रेंड, इसको जब मैंने 2 साल पहले लिया था तो मुझे 250 के अराउंड पड़ी थी, क्योंकि ये है हाइब्रिड वैरायटी। इस तरीके से इसमें शेडेड फ्लावर्स निकलते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक ये आप देख सकते हो मिनिएचर वैरायटीज भी मिल जाती है। ये भी आपको 100 रुपये से लेकर 120 तक में आसानी से लोकल नर्सरी पर मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हो। इसमें मैं आपको अभी देसी वैरायटी भी दिखा देती हूँ, वो भी मिल जाएगी। जैसे कि ये जो आप पिंक कलर के ये जो रेडिश पिंक टोन पे फ्लावर्स हैं, ये आपको आसानी से 40 to 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो इसको भी आप लगा सकते हो। और बगल में जो आप इसकी ड्वार्फ वैरायटी देख रहे हो जो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ येलो कलर की, तो ये आपको 80 to 100 रुपीज़ में मिलेगी, ये जो आप देख रहे हो येलो वाली। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, भर भर के फ्लावर्स देता है, तो इसको भी ज़रूर लगाइए। थ्रू आउट द ईयर इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। फिर इधर हम बात करते हैं बोगनवेलिया की। बोगनवेलिया भी एक ऐसा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि पूरे साल बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इवन नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, तो इसे भी ज़रूर लगाइए। इसमें इस तरीके के अगर आप वाइट कलर के फ्लावर्स बाय करना चाह रहे हो तो फ्रेंड्स ये 60 to 80 रुपीज़ में आपको लोकल नर्सरी पर मिल जाएगा। अगर आप इसकी सिंगल ऐसे स्टेम वाला लोगे तो वो और सस्ते में मिलेगा। इसमें ये जो वैरायटी वाला मैंने प्लांट लिया तो ये मुझे 150 या 180 का पड़ा था। ये भी 2 से 3 साल पुराना प्लांट है, इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट सा है। तो इसमें भी बहुत सारी अब हाइब्रिड वैरायटीज आ गई हैं, तो जैसा भी कलर पसंद हो हाईली रिकमेंड मैं करूँगी इस प्लांट को, आप ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स एट अ टाइम देता है और बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत सा लगता है। और ये जो आप वैरायटी देख रहे हो ये है चित्रा बोगनवेलिया। ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, ये आपको 150 से या कई बार 180 से 200 के अबव भी पड़ेगी, डिपेंडिंग इसमें फिर से साइज ऑफ प्लांट या फिर पॉट हमारे इधर, तो अगर पॉट में लगा हुआ प्लांट होगा तो उसका साइज़ जो होता है वो बढ़ा देते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि पॉली बैग्स में लगा हुआ या ग्रो बैग में लगे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनको बाय कर लीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ा सा रीजनेबल भी पड़ेगा। और क्योंकि जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं जो हमें मिल जाते हैं नर्सरी से, उनका उतना ज़्यादा यूसेज भी नहीं होता, फर्जी में आप उसका इतना प्राइस भी पे करते हो, तो इससे अच्छा है कि आप पॉली बैग्स में लगा हुआ प्लांट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट जो आप फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हो ये है मोसंडा का। मोसंडा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और इधर बीच इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, तो इसका भी जो रेट है फ्रेंड्स हमारे इधर 120 से 150 आपको मिलेगा। और इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी होती है जो कि रेड कलर के जो फ्लावर्स जिसमें निकलते हैं वो थोड़ा सा 150 से अबव आपको जाकर पड़ेगा। ये वाइट और ये वाला जो कलर, ये आपको 120 से 150 के भी बीच में आपको नर्सरी पे मिल जाएगा, तो इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में इंक्लूड करिए। इस समय इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स ऑलरेडी आपने लगा लिए हैं या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने गार्डन में इंक्लूड करने वाले हो। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।